सीता जी के पास सुदामा जी जब संध्या वेला में घर आए हैं ना, तो सुदामा जी से भैया सुशीला कहती है, भोजन परसती है तब, कि हमने सुना है कि द्वारका के जो दीप है ना भगवान श्री कृष्ण, वो तुम्हारे मित्र हैं। महाराज जब इतना कहा ही है कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका के धीज हैं वह तुम्हारे मित्र हैं महाराज, जो ये सुनाना, तो सुदामा जी की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे हैं महाराज, बहने लगे, रोने लगे कि जब मैं पाठशाला में गया था तब से मेरे मित्र का नाम किसी ने नहीं पुकारा, सुशीला तुम्हें किसने बता कर गए। कह रहे कि एक ब्राह्मण आया था, उसने ये कहा था कि सुदामा जी के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी कहते हैं, उस ब्राह्मण ने सही कहा, विश्वामित्रं मुन्या महामुनिज्ञाने वसहिविन सुभयाश्रमया। महाराज सुशीला जी कहती हैं भगवान श्री सुदामा जी से कि हे सुदामा जी, तुम द्वारका जाओ और हम इतने गरीब हैं, और भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांग कर ले आओ। महाराज जब ये कहा ना, तो सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? अरे उस कन्हैया को जब मेरी याद नहीं आई तो मैं क्यों करूं? महाराज प्रेम अटूट है, मांगने तो मैं जा ही नहीं सकता, हाँ अगर मिलने की कहो तो मैं सुशीला मैया। कहती हैं बाबा सुदामा जी आप जाओगे ना? बोले जाऊंगा तो सही, मगर मैंने द्वारका अभी देखी नहीं है। बोली बांकी बिहारी लाल की, मैंने द्वारका अभी देखी नहीं है। ठीक है तुम कहती हो तो किसी से रास्ता पूछ पूछ कर चला जाऊंगा, मगर जाऊंगा। कहते हैं मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी के यहाँ तो ले जाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं है महाराज, तो सुशीला से कहा। सुशीला चार घर गई हैं, और चार घर जब गई है ना, चार घर जब गई हैं तो महाराज सुशीला को एक एक मुट्ठी चावल मिला है। उन मुट्ठियों को फटे हुए कपड़े में मैया सुशीला उन चावलों को बांध रही है और अश्रुपात कर रही है। कह रही है सुदामा जी, जब तुम्हारी कन्हैया से भेंट हो ना, तो उन द्वारकाधीश से गए एक मेरा संदेशा पहुंचा देना, उनसे मेरी एक बात कह देना। क्या बात कहना? मेरी यह बात कहना कि एक मास दो पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी। एक महीने में दो पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनमें दो एकादशी आती है, मगर कन्हैया तेरी दया मेरे घर पर इतनी है कि हमारे घर पर रोज एकादशी आती है, हम रोज भूखे रहते हैं। इतना कह देना महाराज, जब इतना कहा है कि एक मास दो पाक में एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू
एकादशी हो। जब सुदामा जी ने ये बात सुनी अपने पति के मुख से तो रोने लगे और रोकर उस पोटली को अपनी बाह में चपेट कर सुदामा जी निकलते हैं और मैया कहती है सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। नंगे पैर है महाराज सुदामा जी। बोली वांकी बिहारी लाल की जय। नंगे पैर हैं, तन पर वस्त्र नहीं है, धूप है महाराज उनके शरीर पर, सूर्य की किरण पड़ती है ना हमारा तो शरीर गर्म हो रहा है। जंगल में कांटे हैं महाराज, उन कांटों को देख भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारका पहुंचे हैं महाराज, मानो कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं द्वारका सुदामा जी को लेकर चले गए हैं। एक नदी पे सोए हुए थे सुदामा। जब सोए हुए थे ना महाराज तो नींद खुली तो द्वारका में जाकर खुली, और जैसे ही द्वारका में जाकर नींद खुली ना तो सभी लोगों से पूछते हैं पता सुदामा जी कि कन्हैया का स्थान कहाँ है, कन्हैया के द्वारका कहाँ है। उड़ी वाके बिहारी लाल की जय हो प्यारे। कन्हैया का स्थान कहाँ है, कन्हैया की द्वारका कहाँ है महाराज। कुछ लोग थे वहां देखकर, उन सुदामा की दशा को देखकर हंस रहे थे। सुदामा की दशा को देखकर हंस रहे थे। हंसते हंसते उन लोगों ने कहा कि तुम द्वारकाधीश के यहाँ ही खड़े हो, ये बड़ी बड़ी महल अटारी है ना, ये बड़ी बड़ी महल अटारी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की है, जिन भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम खोज रहे हो। तो द्वारपाल से पूछते हैं जाकर सुदामा जी, हे द्वारपाल क्या ये कन्हैया का महल है? तो द्वारपाल कहता है यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, ये कन्हैया का महल नहीं, ये तो हमारे द्वारकाधीश का महल है महाराज। महाराज हे प्यारे, धन्य है भगवान श्री कृष्ण और धन्य है श्री सुदामा जी। महाराज शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी तन पाई उपान हो गो नहीं। महाराज शीश में ना कोई कपड़ा है महाराज, एक अंगोछी लगाए हुए हैं, धोती पहने हुए हैं श्री सुदामा जी,
गले में जनेऊ है। कहते हैं कन्हैया द्वार पे जाता हे द्वारका, मेरे कन्हैया यही रहता है। तुम कन्हैया से जाकर यह कह दो कि तुम्हारे बचपन का जो मित्र है वह तुमसे मिलने आया है। महाराज जब उन सैनिकों ने यह सुना कि ये भगवान श्री कृष्ण का मित्र है तो वह सैनिक जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर वह सैनिक क्या कहता है, कहता है शीश बगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो के ही गामा, धोती थटी से दटी दुपटी, आया है और भिखारी ये कह रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं। तो उस द्वारपाल से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी नजरों में भिखारी कैसे हो गया। कहते हैं कैसी दशा है उसकी।